हेलो बच्चों, मैं अली सर आप लोगों का सीयूटी हिंदी मीडियम परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आगामी जो यूपी बोर्ड 2025 आप लोगों की है, इसमें आप लोगों का भूगोल का सिलेबस क्या होने वाला है, इस पर मैं पूरी तरीके से आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चर्चा करते हैं हम लोग। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को चर्चा करूं आप लोग बीच में कि आप लोगों का रिटर्न में पेपर कितने नंबर का होने वाला है और प्रैक्टिकल के कितने नंबर आप लोगों को भूगोल के अंदर देखने को मिलते हैं। ये पहली बात आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं बेटा, आप लोगों का जो पेपर होगा जिसमें आप लोगों को रिटर्न क्वेश्चन आंसर लिखना होंगे, ये 70 अंक मतलब 70 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा, मतलब 70 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। और आप लोग देखोगे प्रायोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल की हम लोग बात करें, 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, मतलब टोटल हम लोग बात करें 100 नंबर का जो आप लोगों पेपर बनेगा उसमें 70 नंबर आप लोगों का, इसी की तैयारी आप लोगों करना और इसी का आप लोगों का जो यूपी बोर्ड है उसने आप लोगों का सिलेबस भी जारी किया है, प्रैक्टिकल का भी उसने सिलेबस दे रखा है क्या 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 आप लोगों को तैयार करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मैं आप लोगों को चीजें बताता हूं। बच्चों आप लोगों की जो यूनिट फर्स्ट है ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को तैयार करना है मानव भूगोल ठीक है, उसकी प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र ठीक है, मानव भूगोल को किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, उसके जितने भी विषय क्षेत्र हैं उसको इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाता है बेटा। यह हम लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट हुआ है। इसके बाद में बात करूं आप लोगों से अगला चैप्टर, बच्चों अगला चैप्टर आप लोगों का होगा विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि, ये सारी बातें आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जनसंख्या घनत्व, वृद्धि और आप लोगों का वितरण, ये सारी बातें और इसमें बहुत अच्छे से मेंशन कर रखी हैं, वितरण के प्रारूप, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है और जनसंख्या को किस प्रकार से उपाय किया जा सकता है, या उसका हम लोग बात करें उसके उपाय के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना होती है बेटा। फिर आता है मानव विकास, मानव विकास इसके बाद आप लोग देखोगे इसको अगली यूनिट के लो, अगला चैप्टर चैप्टर के लो, सबसे अच्छा है थर्ड चैप्टर के लो, मानव विकास आप लोगों का होता हुआ दिखाई देता है। मानव विकास की अवधारणा, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, उसके मानव विकास के चार स्तंभ कौन से हैं, उसके उपागम क्या है, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हम लोगों को क्या देखने को मिलती है, ये सारी चीजें हम लोगों को मानव विकास के अंतर्गत हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके बाद में आप लोगों से चर्चा करूं, आप लोगों मानव विकास के बाद अगला चैप्टर आप लोगों का आएगा प्राथमिक क्रियाएं, जिसको आप लोग प्राथमिक क्रियाकलाप भी बोलते हैं ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी भी आप लोग इनको कहते हैं बेटा। इसमें आप लोग देखोगे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं, कृषि, पशुपालन ठीक है, इसके अतिरिक्त आप लोग देखोगे आधुनिक कृषि संबंधित आप लोगों खनन कारक गतिविधियां, मतलब सारी चीजों का हम लोगों को इसमें अध्ययन उसका करना है बेटा। इसके बाद हम लोगों का अगला चैप्टर आ जाएगा द्वितीय क्रियाएं, इसमें कारखाना पद्धति पढ़ेंगे, सारे हम लोग विश्व के कारखाने देखेंगे ठीक है, विनिर्माण सेक्टर को देखेंगे ठीक है, तो इसमें सारी चीजें वही उद्योग 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 इसमें आप लोगों को, और इसमें फिर उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है ठीक है, आप लोग देखोगे वनों पर आधारित उद्योग आप लोगों को स्वामित्व के आधार पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कच्चे माल आधारित देखने को मिलेंगे, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप लोग पढ़ाऊंगा। और ये जो आगामी मंडे आप लोगों का आ रहा है, मतलब जहां तक 3 जून है ना, 3 जून से आप लोगों की इस चैनल पर आप लोगों की ये क्लासेस चालू हो जाएंगी यूट्यूब के अंदर। अगर आपको हमारी पेड क्लासेस भी लेना है तो पेड क्लासेस भी हम लोगों की चालू होने वाली है 5 जून से, आप लोग उसका भी हिस्सा बन सकते हो ठीक है। चलिए मैं आखिरी में बता दूंगा आप लोगों को कैसे उसको परचेस करना है आप लोगों को, लेकिन आगे देखिएगा बेटा। इसके बाद आप लोग देखोगे तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में आप लोग देखोगे आप लोगों का व्यापार, सूचना ठीक है, परिवहन तृतीय की एक्टिविटी आप लोगों को, और सारी बातें आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना होती है। चतुर्थ क्रिया क्रियाकलाप अति विशिष्ट सेवाएं जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं वो इसके अंतर्गत आती हुई दिखाई देती हैं ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं बात करूं, अगला चैप्टर आप लोगों का परिवहन एवं संचार हो जाएगा, जिसको आप चैप्टर नंबर 7 भी कह सकते हो ठीक है, अध्याय 7। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े बच्चा ठीक है, इसको फिर से मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा कि मेरे बच्चा लोग अच्छे से इसको देख सकें ठीक है, क्लियर दिख सके, क्योंकि पीडीएफ है आप लोगों का, यूपी बोर्ड ने जारी किया है इस पीडीएफ को ठीक है। इसको आप लोग देखोगे बेटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा ठीक है, और आप लोग देखोगे मानचित्र आधारित प्रश्न भी आते हैं बेटा 5, देखो यहाँ लिख रखा है ठीक है। आप लोग देखोगे मानचित्र आधारित प्रश्न आएंगे आप लोगों को, मतलब मैपिंग देगा और मैपिंग में कराऊंगा बेटा, और ऐसी करवा दूंगा कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे बेटा है ना। तो मानचित्र आधारित प्रश्न भी आप लोगों को पूछे जाएंगे बुक 1 से, खंड का ठीक है, इस ये पूरा खंड का था बेटा,
ये आप लोगों को मैंने यहां दिखाया ना, ये पूरा खंड का है, देखो यहां लिखा भी है खंड का। इसको आप लोग बुक वन भी बोल सकते हो। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो बेटा, इसको आप लोग बुक वन भी बोल सकते हो, बुक फर्स्ट भी बोल सकते हो ना। और ये आप लोगों की बुक फर्स्ट यहां पर आके खत्म हो जाती है, ठीक है। आठ चैप्टर के बाद आप लोगों की ये बुक खत्म हो जाती है ना। और बुक वन में आठ चैप्टर बेटा, और इसमें पांच मानचित्र आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, मतलब मैपिंग वाले है ना, जो कि आप लोगों को पांच अंक के देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला खंड देखते हैं, खंड खा है ना। खंड खा आप लोग देखोगे यहां से आप लोगों की बुक टू चालू होती है। सर ये बुक वन बुक टू क्या है, थोड़ा सा ये भी तो बता दो बेटा। देखो जो आप लोगों की बुक वन है, अरे ये जो बुक वन है बेटा, ये पूरा विश्व के संदर्भ में है, मतलब हम लोगों को दुनिया के बारे में देखना होता है। यहाँ खेती कैसी हो रही है, उद्योग कैसे चल रहा है, ठीक है, अमेरिका के अंदर कौन कौन से कारखाने, चाइना के अंदर लो इस्पात के कौन कौन से कारखाने हैं, ये आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। बुक वन पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी आप लोग कह सकते हो इसके अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत। चलिए इसमें आप लोग देखोगे बुक टू में क्या है ली सर, तो बच्चा इसमें देखोगे पूरा भारत का भूगोल है, ठीक है, भारत का भूगोल, और वो भी मानव भूगोल के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उन्हीं का हम लोगों को इसके अंतर्गत अध्ययन करना होता है। इसमें देखो यही देखो लिखा है ना, जैसे भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, मतलब ये वाला सेक्शन पूरा आप लोगों को भारत के संदर्भ में देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। इसमें आप लोग देखोगे आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, भारत के संदर्भ में जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और उसका संगठन है ना। ये पूरा भारत की जनसंख्या, जब से भारत की जनगणना की शुरुआत हुई 1872 से लेकर, ठीक है, आप लोग देखोगे 2011 तक कि जो जनगणनाएं हैं, ठीक है, उनका आप लोगों की एनसीईआरटी के जो आंकड़े हैं उनके आधार पे हम लोगों को उसकी प्रिपरेशन करना है बेटा, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव बस्तियां, यह आप लोगों का अगला चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो भू संसाधन आप लोगों को देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है, भू संसाधन। दो सेकंड रुकिएगा, इसके बाद आप लोगों की अगला जो अध्याय या यूनिट आप लोग खेलें, ठीक है, भू संसाधन तथा कृषि, मतलब भारत में कृषि का जो आधार है उसमें चावल, गेहूं, ये वो फलानी फलानी जितनी भी चीजें हैं, एक्स वाई जेड सब लिखा है, गन्ना, चाय, कॉफी, बाजरा, मक्का, भारत में भूमि, कृषि भू उपयोग के आधार पर जो उसका क्लासिफिकेशन है, प्रति भूमि, बंजर भूमि, निबल बोया गया क्षेत्र, ये सारी चीजें एक्स वाई जेड अभी मैं यहां पढ़ा नहीं रहा हूं आप लोगों, सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं कि भैया ये चैप्टर है और आप लोगों को इसकी प्रिंट आउट निकला के रखना है भाई। आगामी आप लोगों के जो 7-8 महीने हैं बहुत अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है बेटा, तो पीडीएफ निकला के रखना, इसकी हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए प्रिंट आउट सिलेबस का, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग देखोगे जल संसाधन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा बेटा, जल संसाधन आप लोगों के लिए मस्ट अगला चैप्टर है। वाटर रिसोर्सेज की हम लोग बात करें भारत में, ठीक है, इसमें रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है उसको हम लोग देखेंगे, वाटर सेड मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे, भारत में कितना घन क्यूब हम लोग पानी यूज करते हैं, कितना तालाबों से कितनी होती है, कुआ से कितनी होती है, नलकूपों से कितनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें सारी चीज लिखी भी है, ठीक है, भौम धरातली जल संसाधन, लेगुन क्या है, पश जल क्या है, जल की मांग की उपयोगिता संबंधित जल समस्याएं, ठीक है, एक्स वाई जेड सारी चीजें हैं। इसके बाद भारत में खनिज तथा उसके ऊर्जा के संसाधन, तो भारत में जो खनिज हैं उनका हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करना होता है। सारे खनिजों के नाम यहां पे लिखे हैं, सबसे पहले तो खनिजों के संसाधनों के प्रकार, उनका वितरण कैसे किया गया है, लोह खनिज, अलोह खनिज, धात्विक खनिज, ठीक है, सारे आप लोगों को परंपरागत अपरंपरागत खनिज संसाधनों का संरक्षण, और फिर इसके बाद हम लोगों का भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास, कुछ केस स्टडीज के अंतर्गत की दी गई है, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनको यहां पर डाला गया है बेटा, है ना। और इसके बाद आप लोग देखोगे परिवहन एवं संचार आप लोगों को देखने को मिलेगा अगला चैप्टर। देन इसके बाद हम लोग बात करें जो आप लोगों का, ठीक है, अगला जो चैप्टर आता है बेटा, है ना, आप लोगों का अगला जो चैप्टर आप लोगों का आता है वो आता है भारत के संदर्भ में, है ना, भारत के संदर्भ देखिएगा। दो सेकंड, ये रहा, ठीक है, इसको आप लोग देखोगे बेटा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, देखो बुक वन में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो वैश्विक परिपेक्ष में है, ठीक है, लेकिन बुक टू का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये भारत के परिपेक्ष में है,
ठीक है, आप लोग इतना तो समझते हैं। ठीक है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, जैसे पर्यावरण संबंधी समस्याएं, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये इस प्रकार की कुछ समस्याएं जो है हमारे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, उनको हम लोगों को, और बुक टू से भी बच्चों आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को यहाँ बहुत अच्छे से मेंशन किया गया बेटा, आप लोग देख पा रहे हो तो, ठीक है, यहां भी मानचित्र आएंगे बेटा, है ना, दोनों बुक से मिलाकर आप लोगों को मानचित्र पूछा जाएगा, मैपिंग आप लोगों की दोनों। देखो यहां भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 अंकों के, मतलब 10, कुल 10 प्रश्न आएंगे आप लोगों को मानचित्र के, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को 10 के 10 करना है। ठीक है, चलिए ये सारी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, इसके बाद आप लोग देखोगे प्रैक्टिकल आप लोगों का आता है, प्रैक्टिकल को देख लीजिएगा, इसको आप लोगों खुद तैयार करेंगे अपने से। ठीक है, प्रैक्टिकल के ये आप लोगों के सारे चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनको बढ़िया से देख लीजिएगा क्या क्या यहां पर लिखा है। ठीक है, ये आप लोगों को प्रिपेयर करना है बढ़िया से। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों टेलीग्राम सीयूटी हिंदी मीडियम सर्च करते हो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सीयूटी हिंदी मीडियम कैपिटल लेटर में जो भी चैनल मिलता है, लगभग 20,000 का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसपे आप लोगों को इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप गूगल पे जाके भी लिखते हो यूपी बोर्ड ज्योग्राफी का सिलेबस तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब बात ये आती है सर, ये तो हमारा सिलेबस डिस्कस हुआ लेकिन हम पढ़े कहाँ से, तो बेटा आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है देखिएगा। ठीक है, बात आती है पढ़ने की, तो आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, आपकी कक्षा 12 है ना, बोर्ड की हम लोग बात करें। ठीक है, बोर्ड की बात करें हम लोग, सर इसको कहाँ से तैयार करना है। एक तो बच्चों सीयूटी हिंदी मीडियम आपको कराएगा तैयार। ठीक है, सीयूटी हिंदी मीडियम, आप नए हो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई सबसे पहले तो। इसके बाद आप लोगों को हमारी पेड बेस से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, पेड बैच का रिजल्ट मैं बताऊं आप लोगों को, लास्ट ईयर का, ठीक है, 80 एवरेज 80% बना है, 8 साइट के बच्चों का 80% बनना। ठीक है, ये एक एवरेज बता रहा हूं, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे हैं जो 90% और या 90 से ऊपर लेकर आए, 94 तक बच्चों ने प्रतिशत मारे 8 से के अंदर, जो कि पूरा थ्योरी सब्जेक्ट होता है, मैथ्स रीजनिंग समझ रहे ना, मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन थ्योरी में पूरे नंबर लाना बड़ी टेढ़ी कीड़े, आर्ट्स वाले करके दिखाएं। तो आप लोग यहां या यहां जहां से पढ़ना चाहें